覚悟してろよ。行くぜ。हे गाइस, सुपर पावर बैटल एक्सप्लेन के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस एपिसोड में हम ईगो द लिविंग प्लैनेट एंड ऑल फादर ओडिन की बैटल को ब्रेक डाउन करने वाले हैं। सबसे पहले इन दोनों कैरेक्टर की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखेंगे अगर ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट लड़े तो किसके पास जीतने का चांसेस ज्यादा होगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। ओवर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स आई इम्प्लांटेड thousands of extensions of myself. अगर बात करें ईगो द लिविंग प्लैनेट के बारे में तो वो एक सेलेस्टियल है एंड क्वील यानी स्टार लॉर्ड की बायोलॉजिकल फादर भी है। बात करें ईगो की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में तो अपनी सेलेस्टियल फिजियोलॉजी की वजह से वो पोजेस करता है कई सारे पावर्स एंड एबिलिटीज को, जैसे कि एनर्जी मैनिपुलेशन। अपनी इस एबिलिटी को यूज करके वो लाइट टेंटिकल्स बना सकता है, एनर्जी बीम्स को प्रोजेक्ट कर सकता है, पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट को जेनरेट कर सकता है। इसके अलावा एनर्जी को मैनिपुलेट करके वो ह्यूमेनॉइड बॉडी बना सकता है एंड एनर्जी को कंज्यूम भी कर सकता है। ईगो के पास है बायोलॉजिकल मैनिपुलेशन की एबिलिटी। उसकी ये एबिलिटी उसे प्रोवाइड करता है और भी कई सारे एबिलिटीज को, जैसे कि रिकॉन्स्टिट्यूशन। उसकी बॉडी अगर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय भी हो जाए तब भी वो अपनी बॉडी को रिकॉन्स्टिट्यूट यानी रिवील्ड कर सकता है। उसके पास है शेप शिफ्टिंग की एबिलिटी। वो किसी की भी शेप में शिफ्ट हो सकता है। इन सब चीजों के अलावा ईगो पोजेस करता है वैस्ट अमाउंट ऑफ सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टेमिना, एजिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी। इसके अलावा ईगो के पास एक स्पेशल एबिलिटी है और वो है मॉलिक्यूलर मैनिपुलेशन की एबिलिटी। अब क्योंकि ईगो एक सेलेस्टियल है इसलिए वो मैटर को मैनिपुलेट कर सकता है मॉलिक्यूलर लेवल पर। ईगो एक एक्सपर्ट कॉम्बेटेंट है एंड उसके पास फ्लाइट की भी एबिलिटी है, यानी वो ग्रेट स्पीड से उड़ भी सकता है। इन सब के अलावा ईगो एक ना इमॉर्टल बीइंग है। उसे मारना नियर इम्पॉसिबल है लेकिन उसे भी मारा जा सकता है। अगर किसी तरह उसकी ब्रेन को डिस्ट्रॉय किया जाए तो उसकी ब्रेन के साथ साथ ईगो भी पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये था ईगो की पावर्स एंड एबिलिटीज। अगर बात करें ओडिन के बारे में तो वो एसगार्ड का किंग है एंड नाइन रियल में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग भी है। बात करें ओडिन की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में तो अपनी एसगार्डियन फिजियोलॉजी की वजह से वो पोजेस करता है कई सारे पावर्स एंड एबिलिटीज को, जैसे कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। ओडिन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसने हेला को ओवरपावर किया है, पूरे नाइन रियल्स को कॉन्कर किया है, फायर डेमन सर्टर जैसे पावरफुल बीइंग को ओवरपावर किया है। इसके अलावा ओडिन ने मल्टीपल फ्रॉस्ट जायंट के साथ साथ उनकी रूलर लॉफी को भी ओवरपावर किया है। ओडिन के पास है सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी। ओडिन की जो ड्यूरेबिलिटी है वो काफी ज्यादा सुपीरियर है एज कम्पेयर टू एवरेज एसगार्डियन। इसके अलावा एक एवरेज एसगार्डियन की कंपैरिजन में ओडिन की स्पीड, एजिलिटी, स्टेमिना एंड रिफ्लेक्सेस काफी ज्यादा इनहेंस्ड है। ओडिन के पास है सुपर ह्यूमन हीलिंग फैक्टर। ओडिन की हीलिंग फैक्टर उसकी बॉडी की डैमेज टिश्यू को रैपिडली रिजेनरेट करता है एंड इसी वजह से वो सीरियस इंजरी से या फिर वुंड से अपने आप को काफी जल्दी रिकवर कर सकता है। ओडिन के पास है लॉन्जेविटी। ओडिन की रेट ऑफ एजिंग काफी ज्यादा स्लो है एंड इसी वजह से वो एक लॉन्ग टाइम तक लाइफ स्पैन कर सकता है। ओडिन एक मास्टर टैक्टिशियन है, यानी वो काफी अच्छा टैक्टिक्स बना सकता है अपनी ओपोनेंट के अगेंस्ट। इसके अलावा ओडिन मास्टर कॉम्बेटेंट है, वो बोथ हैंड टू हैंड एंड वेपन्स कॉम्बैट में मास्टर है एंड वो बिलिंगुअल भी है। बात करें ओडिन की इक्विपमेंट्स के बारे में तो बेसिकली उसके पास एसगार्डियन आर्मर एंड गंगनीर रहता है। ये तो हमने बात कर ली ओडिन की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में, बट जो चीज ओडिन को काफी ज्यादा डेडली बनाता है वो है उसकी ओडिन फोर्स। ओडिन अपनी लाइफ फोर्स को मैनिपुलेट करके मैजिकल, डार्क एंड कॉस्मिक एनर्जी को एक्सेस कर सकता है एंड इसी चीज को हम ओडिन फोर्स के नाम पे जानते हैं। ओडिन अपनी ओडिन फोर्स को मैनिपुलेट करके रियलिटी को वार्पिंग कर सकता है, कॉस्मिक एनर्जी को जेनरेट कर सकता है, पावरफुल ब्लास्ट प्रोड्यूस कर सकता है एंड बायफोर्स को समन करने के साथ साथ और भी कई सारे चीजें कर सकता है। कई जगहों पर यह भी कहा गया है कि ओडिन अपनी ओडिन फोर्स को यूज करके एक प्लेनेट तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये था ओडिन की पावर्स एंड एबिलिटीज। अभी अगर इन दोनों की बैटल को ब्रेक डाउन करें तो नो डाउट दोनों ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं एंड दोनों के पास ही अपनी अपनी यूनिक पावर्स एंड एबिलिटीज हैं। लेकिन कई जगहों पर यह भी कहा गया है कि सेलेस्टियल ओडिन की कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड ईगो एक सेलेस्टियल है। लेकिन यहाँ पर हम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की ओडिन एंड ईगो को कंपेयर कर रहे हैं, ना कि कॉमिक वर्जन की। अगर ये बैटल एसगार्ड पे हुआ तो ओडिन के पास एक अपर हैंड है एंड वो शायद ईगो को डिफीट कर दे, लेकिन वो ईगो को मार नहीं पाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे मारने के लिए ओडिन को उसकी प्लेनेट की कोर में जाके ब्रेन को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। वही ओडिन अगर लिविंग प्लेनेट के अंदर जाके ईगो से लड़े तो यहाँ पर ईगो के पास काफी सारे एडवांटेज होगा। वो चाहे तो प्लेनेट की एनवायरमेंट्स को अपने हिसाब से कंट्रोल करके ओडिन के अगेंस्ट यूज कर सकता है। ऐसे में ईगो के पास जीतने का चांसेस काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू ओडिन। लेकिन ओडिन अगर अच्छे टैक्टिक्स बना के लिविंग प्लेनेट के अंदर ईगो से लड़ने जाए तब यहाँ पर ओडिन कुछ यूनिक एबिलिटीज को यूज कर सकता है अपनी एडवांटेज के लिए, जैसे कि वो बायफ्रॉस्ट को समन करके डायरेक्टली प्लेनेट की कोर में जा सकता है एंड जाने के
के बाद ईगो की ब्रेन को डिस्ट्रॉय करके उसे मार सकता है। यहाँ पर अगर हम ओवरऑल पावर को एनालिसिस करें तो ईगो ओडिन की कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा सुपीरियर है क्योंकि वो एक सेलेस्टियल है। तो यहाँ पर मैंने इन दोनों की कुछ बैटल पॉसिबिलिटीज को ब्रेक डाउन किया है एंड ये सिर्फ मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं कि आप लोगों को क्या लगता है कि इन दोनों की बैटल में कौन होगा अल्टीमेट विनर। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर देना ताकि ऐसे और भी कई सारे कंटेंट्स की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।